उत्तराखंड छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड स्टेट का डेवलपमेंट एक तेजी के साथ हो रहा है, तो 10 वर्षों के अंदर इस तेलंगाना का डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पाया? जबकि तेलंगाना में डेवलपमेंट का पोटेंशियल है, तेलंगाना के लोग परिश्रमी हैं, काम करने वाले हैं, इनके अंदर योग्यता है, क्षमता है। अटल जी देश प्रधान మూడు రాష్ట్రాలను ఈ ప్రాంతం లోపల ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. జార్ఖండ్ కావచ్చు, ఉత్తరాఖండ్ కావచ్చు, ఈ రకంగా మూడు రాష్ట్రాలు అటల్ జీ నాయకత్వం లోపల ఏర్పాటు చేసి ఆ యొక్క రాష్ట్రాలన్నీ కూడా అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఈ ప్రాంతంలో తెలంగాణ ప్రాంతంలో भारतीय जनता पार्टी की यानी बीजेपी की गवर्नमेंट इस देश में चल रही है, जिन भी स्टेट्स में कोई माथावाल उंगली उठाकर नहीं कहता कह सकता एक भी करप्शन हमारे ऊपर लगा हो। क्या गवर्नमेंट है, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि चंद्रशेखर राव ने बहुत बड़े बड़े कमिटमेंट, बड़े बड़े वादे यहां की जनता के साथ किए थे कि मैं आऊंगा तो तेलंगाना का पूरा मैं क्षेत्र बदल दूंगा। बहुत सारे प्रॉमिस भी उन्होंने किया था लेकिन अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं किया और आज देश के दूसरे स्टेट्स का भी पीपीजी के साथ डेवलपमेंट हो रहा है, तेलंगाना का यह डेवलपमेंट 10 वर्षों के अंदर नहीं हो पाया। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 10 సంవత్సరాల నుంచి ఈరోజు బీఆర్ఎస్ సర్కార్ ఇక్కడ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తా ఉన్నది. అనేక రకాలైన హామీలను ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావు గారు ఈ ప్రాంతంలో ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ యొక్క హామీలను కూడా సక్రమంగా నిర్వహించలేదు. ఏ రకమైనటువంటి అభివృద్ధి అయితే 10 సంవత్సరాల్లో జరగాలో మిగతా రాష్ట్రాల్లో లాగా ఇక్కడ ఆ రకమైనటువంటి అభివృద్ధి జరగలేదు. 1984 में चुनाव हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने केवल पूरे देश में 2 लोकसभा सीटें जीती थी, 1 सीट हम लोगों ने जीती थी गुजरात से और दूसरी सीट जीती थी तेलंगाना से। और मेरे घर वालों जन्ना रेड्डी जी यहां से लोकसभा के लिए चुनकर गए थे और मैं आपको बताना चाहता हूं गुजरात में जो लगातार 27 ईयर से हमारी बीजेपी गवर्नमेंट काम कर रही है और गुजरात का तेजी के साथ डेवलपमेंट हो रहा है, गुजरात स्टेट एक मॉडर्न स्टेट इस समय बन गया है। मैं यहाँ के चंद्रशेखर राव जी से पूछना चाहता हूँ क्या कारण है कि गुजरात इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है लेकिन 10 वर्षों तक यहाँ के मुख्यमंत्री रहते हुए हमारे तेलंगाना का डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पाया? इस सवाल का यहाँ की जनता जवाब चाहती है। 1984లో భారతీయ జనతా పార్టీ 2 సీట్లు గెలిచినాడు, గుజరాత్ నుంచి 1 సీటు, ఈ యొక్క తెలంగాణ ప్రాంతం నుంచి కూడా 1 సీటు గెలవడం జరిగింది. దాంతో ఈ తెలంగాణ ప్రాంతం నుంచి దివంగత నేత జంగారెడ్డి గారు ఈ ప్రాంతం నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహించడం జరిగింది. 27 సంవత్సరాల నుంచి భారతీయ జనతా పార్టీ గుజరాత్ లో కూడా అధికారంలో ఉన్నది. ఈ రోజు భారతీయ జనతా పార్టీ గుజరాత్ లో దేశంలోనే ఒక మోడల్ స్టేట్ గా అభివృద్ధి చెందినటువంటి రాష్ట్రంగా ఈరోజు గుజరాత్ నిలబెట్టడం జరిగింది. 10 సంవత్సరాల నుంచి అధికారంలో వచ్చినటువంటి ఈ యొక్క కేసీఆర్ ప్రభుత్వం తెలంగాణ లోపల ఎందుకు అభివృద్ధి చెందలేదు అనేటువంటి విషయాన్ని ముఖ్యమంత్రి గారిని ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాను. కనీసం పరీక్షలు రాసేటువంటి విషయం లోపల ఏ ఒక్క పరీక్ష కూడా లీకేజ్ కాకుండా ఉండలేదు. ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఏ ఒక్కరు తల్లి పాలు తాగినటువంటి వ్యక్తి ఎవరు కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వంలో పేపర్ లీకేజ్ చేసేటువంటి దమ్ము కూడా ఏ ఒక్కడు చేయలేదనేటువంటి విషయాన్ని సందర్భంగా 3 ఎకర్ मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कितनी फैमिलीज को इन्होंने 3 एकड़ लैंड दिया है कि दलित परिवारों के नौजवानों को हम 10 लाख रुपए का लोन देंगे बिजनेस करने के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं किसी को 10 लाख रुपए का लोन मिला है कि नहीं मिला है? या पीछे के लोग बताइए लोन मिला है कि नहीं मिला? इधर के लोग बताइए लोन मिला है कि नहीं मिला?
इन्होंने कहा था पूरा कर्ज माफ करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सभी का कर्ज माफ हो गया कि नहीं हो गया? जो बिहार सरकार का एक भी काम करप्शन फ्री नहीं है, हर काम में पैसा, हर काम में भ्रष्टाचार। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं जिस दिन भारतीय जनता पार्टी यहां पर सरकार बन जाएगी बीजेपी की, जो भी करप्शन के मामले में इंडल्ज होगा बहनों भाइयों, हम उसको उठाकर जेल की हवा पिलाएंगे, वो अपने घर में नहीं रहेगा। हम दूर करना चाहते हैं, करप्शन को मिनिमाइज करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। तो करप्शन भाषण देकर मिनिमाइज नहीं किया जा सकता, करप्शन को यदि कम करना है तो सिस्टम में बदलाव लाना पड़ेगा, व्यवस्था में परिवर्तन करना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने किया है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोग 100 पैसा यदि दिल्ली से भेजते हैं तो 100 का 100 पैसा लोगों के अकाउंट में पहुंचता है, खाते में पहुंचता है, एक भी पैसा करप्शन की भेंट नहीं चढ़ने पाता है। हर किसान फैमिली को वहां से भेजते हैं 6,000 का 6,000 रुपया उस किसान के, उस फार्मर के अकाउंट में पहुंचता है डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम के माध्यम से। यह काम मोदी गवर्नमेंट ही कर सकती है, कोई दूसरी गवर्नमेंट नहीं कर सकती। तेलंगाना का विकास तेजी के साथ हो, हम स्टेप मदरली ट्रीटमेंट किसी भी सूरत में तेलंगाना के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते। और कई काम इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने कहा किया है, हेल्थ और वेलनेस सेंटर। आपको जानकर खुशी होगी कि यहां पर 5,000 से अधिक खोलने का काम यदि किसी ने किया है तो मोदी गवर्नमेंट ने किया है। का संकट था उस समय भी हम लोगों ने बीआरसी गवर्नमेंट होने के बावजूद इस स्टेट के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया था। हमारी गवर्नमेंट ने यहां पर भी 50 PSA सेंटर लगवाए थे। बार बार हमें देखो एक बार, यही स्लोगन यहां पर देखने के लिए देने के लिए आया हूं, क्योंकि हमारे पास डेवलपमेंट का विजन भी है, डेवलपमेंट का मिशन भी है और डेवलपमेंट का पैशन भी है। राष्ट्रों का इंपावरमेंट करने की दृष्टि से सोशल और पॉलिटिकल इंपावरमेंट महिलाओं का होना चाहिए। सोशल इंपावरमेंट के लिए भी कई कदम उठाए हैं, पॉलिटिकल इंपावरमेंट के लिए भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाकर 33% पार्लियामेंट और असेंबली इलेक्शन में महिलाओं के लिए सीट रिजर्वेशन करने का बिल पास करा दिया है। महिला माता महाकाली की, माता महाकाली की। भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्री पी विक्रम रेड्डी और यहां के एमएलए कैंडिडेट श्री भाई सुदर्शन रेड्डी, श्री मोहन ए मोहन रेड्डी असेंबली कन्वीनर, श्री पी मोहन रेड्डी, श्री नरेंद्र राव शर्म बैठे में हिंदी में बोलूंगा और ये हमारे रेड्डी जी के द्वारा डिस्ट्रिक्ट सभा का चुनाव चल रहा है। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां चुनाव के मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी भी पूरी ताकत के साथ इस समय चुनाव के मैदान में है और भारतीय जनता पार्टी जैसे देश के अन्य राज्यों में अपनी गवर्नमेंट बना चुकी है, वैसे ही हम तेलंगाना में भी यहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं। सोदर सोदर मन लगा